हेलो दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अखिलेश भरतवाल। देखिए दोस्तों, आज मैं उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आपके लिए लेकर आया हूँ एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है उत्तराखंड के ग्लेशियर। देखिए दोस्तों, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के जिलों में स्थित प्रमुख ग्लेशियरों के बारे में, उनसे जुड़े हुए कुछ फैक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक उत्तराखंड के ग्लेशियर। सबसे पहले दोस्तों, हमें ये जानना आवश्यक है कि ग्लेशियर कहते किसे हैं। तो देखिए, महान हिमालय में एक एक निश्चित सीमा के बाद जो बर्फ़ है उसका एक ऐसा हिस्सा शुरू होता है जहाँ पर बर्फ़ खिसकती है या वहाँ पर पिघलने की क्रिया भी शुरू होती है, तो वहाँ पे बर्फ़ की नदियाँ निकलती हैं। तो इसी को हम कहते हैं हिमनद, हिमानिया, या उत्तराखंड में इसे बमक भी कहते हैं। तो इन्हीं बर्फ़ के हिस्सों को हम ग्लेशियर कहते हैं जहाँ पर बर्फ़ खिसकता है या पिघलता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। सबसे पहले देखेंगे हम ग्लेशियरों से संबंधित कुछ फैक्ट। तो चलिए दोस्तों, देखिए ये जो आंकड़े हैं ये एग्जैक्ट तो नहीं हो सकते हैं क्योंकि लगातार नए ग्लेशियरों की खोज होती है, लेकिन इससे इसके आसपास ही ग्लेशियर हैं। तो कुल ग्लेशियर जो उत्तराखंड में थे वो 968 ग्लेशियर हैं। ऐसा कभी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना नहीं है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक ग्लेशियर किस जिले में है। तो इसका सही आंसर है चमोली में उत्तराखंड के सर्वाधिक ग्लेशियर स्थित हैं। देखिए, राज्य में सिर्फ उन्हीं 6 जिलों में ग्लेशियर हैं जिनमें महान हिमालय विद्यमान है। देखिए, ग्लेशियर सिर्फ महान हिमालय में ही होते हैं क्योंकि वहाँ पर परमानेंट बर्फ रहती है। तो राज्य में सिर्फ 6 जिलों में महान हिमालय है। जो ऊपर के जिले हैं जैसे उत्तरकाशी, चमोली, और बात करें हम टिहरी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर और पिथौरागढ़, और इन्हीं में ग्लेशियर भी हमें मिलते हैं। तो एक बात यहाँ से क्लियर हो जाती है कि अगर एग्जाम में ऐसा कोई ऑप्शन होता है जो इन 6 जिलों से अलग हो तो वहाँ पर ग्लेशियर नहीं होगा, वो ऑप्शन पहले ही गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो राज्य में 6 जिलों में ही ग्लेशियर है, जबकि देखेंगे हम वो 6 जिले हैं चमोली, पिथौरागढ़ में 295, पिथौरागढ़ में दूसरे सबसे ज़्यादा ग्लेशियर हैं, जबकि उत्तरकाशी तीसरे नंबर पर है, फिर रुद्रप्रयाग, टिहरी और बागेश्वर। इन्हीं 6 जिलों में हमें ग्लेशियर मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे गंगोत्री, पिंडारी और मिलम हिमानियों को। देखिए, इनको हम अलग से इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये उत्तराखंड के सबसे बड़े ग्लेशियरों में से एक हैं। देखिए, यहाँ पर जो फैक्ट हैं वो फैक्ट कुछ ऐसे हैं कि गंगोत्री हिमनद उत्तरकाशी जनपद में स्थित राज्य का सबसे बड़ा हिमनद है। देखिए, उत्तरकाशी जनपद में स्थित है गंगोत्री हिमनद, और राज्य का सबसे बड़ा हिमनद भी है गंगोत्री हिमनद ही, और यहाँ से उद्गम होता है गंगोत्री नदी का इसके एक हिस्से गोमुख से। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पिंडारी हिमनद की। तो पिंडारी हिमनद जिसको हम कहते हैं बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली में स्थित है। वैसे अगर मुख्य रूप से हम बात करें, प्रश्न आता है कि जो पिंडारी हिमनद है वो कहाँ स्थित है, तो इसका जो ऑप्शन होगा सही आंसर होगा, अगर 4 अलग अलग जिले दिए हैं तो पिंडारी इसका सही आंसर होगा। लेकिन अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये हल्का हल्का 2 अन्य जिलों में भी स्थित है, जो है पिथौरागढ़ और चमोली में। और ये पिंडारी राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है और ये दोनों मंडलों में स्थित है, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल में, ये दोनों में स्थित है। अब बात करते हैं मिलम हिमानी की। अगर हम मिलम हिमानी की बात करें तो मिलम की जो बात करें हम, पिथौरागढ़ में स्थित है मिलम, और राज्य का तीसरा और कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है, मिलम। देखिए, मिलम ग्लेशियर से जो नदी निकलती है वो है हमारी गोरी गंगा और मिलम। मिलम पिंडर नदी की सहायक नदी है, जबकि गोरी गंगा काली नदी की सहायक नदी है। तो ठीक है, ये थे हमारे 3 हिमानियाँ जो मुख्य हिमानियाँ थी। आगे हम देखेंगे बागेश्वर जिले की हिमानियाँ। तो अगर हम बात करें बागेश्वर जिले की हिमानियों के बारे में, तो सबसे इम्पोर्टेंट मैकतोली जो ग्लेशियर है वो है बागेश्वर में, कफनी जो है बागेश्वर में, पिंडारी जो है बागेश्वर में, सुंदर ढूंगा जो है बागेश्वर में ही, सुखराम ये भी बागेश्वर, तारकोट बागेश्वर, और मायकोटली, ये इतने सारे इंपॉर्टेंट हैं बागेश्वर में। इससे ज़्यादा पूछने की संभावना बहुत कम है, और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो ये तस्वीर है ये है पिंडारी ग्लेशियर की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, आगे हम देखेंगे चमोली के ग्लेशियर। तो देखिए दोस्तों, चमोली में कई सारे ग्लेशियर हैं, पर जो प्रमुख ग्लेशियर हैं वो हैं दूनागिरी, छिप्राबमक, बद्रीनाथ, सतोपंत, बागनी, बारतोली, या ऐसे कई ग्लेशियर भी देखने को मिल सकते हैं जो पर्वत भी हैं। जैसे आ सकता है कि नंदा देवी ग्लेशियर कहाँ है, तो सीधी सी बात, अगर नंदा देवी पर्वत चमोली में है तो नंदा देवी ग्लेशियर भी चमोली में ही होगा। तो देखिए, यहाँ पर हमने देखा दूनागिरी, छिप्रामक, बद्रीनाथ, सतोपंत, बागनी और बारतोली। ये बारतोली जो है वो नंदा देवी ग्लेशियर के अंदर ही एक ग्लेशियर है। देखिए, अब यहाँ पर जो तस्वीर है ये है सतोपंत ग्लेशियर की। सतोपंत ग्लेशियर आप देख रहे हैं, यहाँ पर सतोपंत ग्लेशियर हमारा है, और इसी के साथ जुड़ा हुआ एक दूसरा ग्लेशियर है भागीरथी खर ग्लेशियर। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि किस ग्लेशियर को भागीरथी खर ग्लेशियर कहते हैं,
तो सतोपंत ग्लेशियर को ही कह लेते हैं कि भागीरथी खर ग्लेशियर भी इसी का नाम है, लेकिन यहाँ पर ये दो छोटे छोटे अलग ग्लेशियर एक थोड़ा इससे अलग है। देखिए भागीरथी खर ग्लेशियर ये है जबकि सतोपंत ग्लेशियर ये है, इनको एक भी मानते हैं कई बार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे हम पिथौरागढ़ के ग्लेशियर। पिथौरागढ़ के ग्लेशियर की अगर दोस्तों हम बात करें तो यहाँ पर कई सारे ग्लेशियर हैं, जैसे हीरामणि, पॉन्टिंग, नामिक, काली, पिनौरा, रालम, मिलम, सोना और बाल्टी, ये सभी इंपॉर्टेंट ग्लेशियर हैं पिथौरागढ़ के। और यहाँ पर जो ये चित्र दिख रहा है आपको, यह मिलम हिमानी का ये चित्र है। मिलम से मैंने बात कर चुका हूँ कि वहाँ से गौरी गंगा निकलती है, जबकि पॉन्टिंग और नामिक से निकलती है पूर्वी राम गंगा। आप इसको चेक कर लेना, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन हाँ मुझे याद है कि यहाँ से निकलती है पूर्वी राम गंगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे हम उत्तरकाशी के ग्लेशियर। उत्तरकाशी के ग्लेशियरों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बंदरपूंछ, जहाँ से यमुना नदी निकलती है, डोरियानी, यमुनोत्री, बंदरपूंछ और यमुनोत्री आसपास ही है, गंगोत्री जिसकी हम बात कर चुके हैं, गंगा नदी का उद्गम, रक्तवन इंपॉर्टेंट हो जाता है, जोधार इंपॉर्टेंट हो जाता है ये ग्लेशियर भी, चंपासर और कीर्ति ग्लेशियर पूछा जा चुका है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट ग्लेशियर हैं उत्तरकाशी में। देखिए अगर ग्लेशियर से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं तो वो ग्लेशियर ज़्यादातर तीन जिलों में स्थित होते हैं, पिथौरागढ़ में या उत्तरकाशी में या चमोली में, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे ग्लेशियर हैं जिनके नाम थोड़ा अलग है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं जोधार, चंपासर, कीर्ति। तो ठीक है, यहाँ पर जो फोटो है वो है गंगोत्री ग्लेशियर का, यहाँ पर गोमुख दिखाया गया है जहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ेंगे, आगे हम देखेंगे रुद्रप्रयाग के ग्लेशियर। देखिए रुद्रप्रयाग के ग्लेशियर में सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है चौराबाड़ी ग्लेशियर, केदारनाथ के जो ऊपर है चौराबाड़ी ग्लेशियर, जिसमें जो आपदा का कारण भी बना था। दूसरा हम देखेंगे केदारनाथ, तीसरा है कलेयु, कंपेनियन, पनपतिया। देखिए यहाँ पर फोटो में दिख रहा है हमें चौराबाड़ी झील और उसके आसपास ग्लेशियर क्षेत्र। तो देखिए जब हुआ ये था आपदा के समय कि कंपेनियन ग्लेशियर जो था, जो कंपेनियन ग्लेशियर के ऊपर जो पर्वत था कंपेनियन पर्वत, उसका एक हिस्सा टूट कर गिर गया था चौराबाड़ी ताल में, और ताल का मुँह फटने से आप पूरा पानी नीचे आ गया था और वहाँ पर बादल फट गया था, इससे वहाँ पर आपदा आ गई थी। तो ठीक है, हम देखेंगे आगे हम देखेंगे टिहरी के ग्लेशियर। तो टिहरी में जो सबसे इम्पोर्टेंट हमें एक ग्लेशियर मिलता है वो है खतलिंग ग्लेशियर। खतलिंग ग्लेशियर के बारे में अगर हम बात करें तो ये यहाँ से निकलती है एक नदी जिसका नाम है विलंगना, और इसकी जो खोज की थी हम जानते हैं उत्तराखंड के गांधी जी ने, हम कहते हैं इंद्रमणि बडौनी के द्वारा इसकी खोज की गई खतलिंग की, और इसी के आसपास है सहस्त्र ताल, मंसूर ताल, ये सब इसी के आसपास है। इसके ठीक सामने जो ताल है वो है मंसूर ताल। देखिए ये था खतलिंग ग्लेशियर टिहरी का, और ये स्फटिक शिवलिंग भी हम इसे कहते हैं, ये स्फटिक जो पत्थर होता है उसका एक शिवलिंग हम इसे मानते हैं, प्राकृतिक शिवलिंग। ठीक है, तो ये थे हमारा टिहरी के ग्लेशियर, आगे हम देखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, हमने देख लिया अपने 6 जिलों के सारे ग्लेशियर, हम बात कर चुके हैं कि ग्लेशियर अगर मिलेंगे तो सिर्फ इन 6 जिलों में मिलेंगे जो हिमालयी जिले हैं, जहाँ पर महान हिमालय है। वो जिले के बारे में फिर से आपको बता देता हूँ, वो जिले हैं उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़। आप ऊपर मैप में आ भी सकते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, मेरी वीडियोस को लगातार देखते रहें, धन्यवाद।